हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना हुसन दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर एक बार फिर से। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं किस तरह के वीडियोस होम्योपैथिक वाइंस पर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज एक बेहतरीन बहुपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन सेलिक्स एल्बा। हाँ जी, सेलिक्स एल्बा आपको हो सकता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर इसका परिचय नहीं दिया गया हो, तो इस रिगार्डिंग मैं इसके डिटेल रिव्यू देने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अगर पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें, स्किप ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेलिक्स एल्बा एक फॉरेन कंट्री का प्लांट है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री का प्लांट है। स्कॉटिया टू ऑन्टारियो के जंगलों में पाया जाने वाला एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। भारत की बात कर ले तो नॉर्थ टू वेस्ट हिमालयन रीजन में कल्टीवेट होता है। स्पेशली इसकी खास बात यह होती है कि इसके अंदर पाया जाने वाला एल्केलॉइड फिनोलिक ग्लाइकोसाइड फ्लेविनॉइड्स एंड टैनिन्स अप टू 20% मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे मेडिकल सिस्टम में। ये एक डेसीडियस लार्ज ट्री होता है, अप टू 30 मीटर तक का प्लांट कह सकते हैं। थिक रफ डार्क ग्रेइश कलर की इसकी बार्क होती है, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी छाल जो होती है उसी से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है पल्वराइज एंड पोटेनाइज करके फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। इसकी अर्क निकाला जाता है बाग से, फिर सेलिक्स एल्बा मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। जो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन का प्लांट बेस सब वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसके यूजेज एंड बेनिफिट्स की बात हम कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटरमिटेंट फीवर की बेसिक होम्योपैथिक मेडिसिन है सेलिक्स एल्बा। इंटरमिटेंट फीवर से ये तात्पर्य है कि अप्स एंड डाउन्स जिस फीवर में हो रहा हो, चाहे तापमान शरीर का बढ़ जाता हो एकदम से फिर कम हो जाता हो, जैसे कि मलेरियल फीवर, टाइफॉइड फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इसी कंडीशन में सेलिक्स एल्बा को हम लोग भूले नहीं, इसके मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद रिपीट करते रहें 2 से 3 घंटे के अंदर, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो फीबल डाइजेस्टिव पावर्स हैं, पेट का जो गड़बड़ हो जाती है, डिसेंट्री और डायरिया जैसी कंडीशन के अंदर, वहां पर भी सेलिक्स एल्बा और स्पेशली ब्लीडिंग पाइल्स, एनी काइंड ऑफ हेमरेजिक कंडीशन हम लोग बात कर लें तो वहां पर बहुत अच्छा उपयोग देखने को मिलता है सेलिक्स एल्बा का। इसके बाद मैं बात कर लूँगा किसी भी तरह का रूमेटिज्म हो रहा हो या गाउट जैसी कंडीशन हो, वहाँ पर भी सेलिक्स एल्बा का अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँगा सिडेटिव लाइक किसी भी तरह की सिडेटिव कंडीशन हो, जहाँ हम एस्पिरिन लाइक सॉल्ट यूज़ करते हो, वहाँ पर भी सेलिक्स एल्बा के मदर टिंचर को उपयोग में लेते हैं तो अच्छा लाभ और परिणाम देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ सेलिक्स एल्बा शॉर्ट एंड स्वीट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, क्लिनिकल पेज, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पेज, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन भी है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो वहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके समक्ष हाजिर रहूँगा, तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, नमस्कार।